आर्य समाज मंदिर वल्केश्वर कमलानगर शाखा की ओर से 24 से 27 नवंबर से आयोजित होने जा रहे वार्षिकोत्सव समारोह के आमंत्रण पत्र का विमोचन बाटरबक्स चौराहे स्थित होटल अतिथि वन में किया गया। प्रधान बीरेंद्र कनवन ने बताया कि आर्य समाज मंदिर के वार्षिकोत्सव पर 4 दिवसीय बृहद यज्ञ वेद कथा का आयोजन कमलानगर स्थित महर्षि दयानंद पार्क पर किया जा रहा है। 22 व 23 नवंबर को प्रातः 6 बजे बल्केश्वर और कमलानगर के आर्यजनों को आमंत्रित करने के लिए आर्य समाज मंदिर कमलानगर से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार कन्वर आर्य है, मैं आर्य समाज कमलानगर से बिलोंग करता हूँ। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य आर्य समाज कमलानगर के तत्वाधान में 4 दिवसीय एक कार्यक्रम यज्ञ एवं वेद कथा का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी आदरणीय सच्चिदानंद जी एवं भजन उपदेशिका निकिता आर्य हरिद्वार से आ रही हैं। ये कार्यक्रम भव्य रूप से किया जाएगा सिंधु भवन के सामने दयानंद महर्षि दयानंद पार्क में, जिसका समय प्रातः 7:30 से 10:30 बजे तक और शाम को 6 से 9 बजे तक रहेगा। विश्व में जो भारतवर्ष में जो कुरीतियाँ पाखंड अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर है, तो इस प्रकार के आयोजन करके हम उनको किसी हद तक जो आज का विषय मुख्य है लव जिहाद का या आतंकवाद का, उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे इस माध्यम से। और यज्ञ के माध्यम से जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है उसको शुद्ध करने के लिए मात्र यज्ञ एक पात्र विकल्प है। और वेदों की बात की जाएगी, महर्षि दयानंद की बात की जाएगी, सत्यार्थ प्रकाश की बात की जाएगी। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आके इसका लाभ उठाएं। प्रचार मंत्री आर समाज कमलानगर, ये जो अपना आर समाज का कार्यक्रम है, आर समाज की स्थापना सभी लोग हम जानते हैं स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। आर समाज एक ऐसा संगठन है जो कि अपनी पुरातन सनातन हिंदू धर्म का सही वास्तविक रूप रखता है। आर समाज ने पंडित अपने स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के और लोटो वेद के जो भूल गया था हिंदू समाज, वेदों को भूल गया था, उस हिंदू समाज को वेदों का ज्ञान से परिचय कराया और पुनः वेदों को प्रतिस्थापित किया। आर समाज जैसे संगठन की स्थापना की। आर समाज एक ऐसा संगठन है कि सभी लोग जानते हैं, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पट्टाभी सिद्धारमैया, उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा कि 80 से 90% लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से 80 से 90% लोग आर समाजी थे। आर समाज का बहुत योगदान रहा है देश की आज़ादी में, वेद के प्रचार में, कुरुति और पाखंड को मिटाने में। इन्हीं सब को लेकर आर समाज निरंतर सतत प्रयासरत है और एक भव्य आयोजन आर समाज कमलानगर के तत्वाधान में होने जा रहा है, जिसकी दिनांक 24, 25, 26, 27 नवंबर है। हमारा सभी पूरे नगरवासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम। सभी को नमस्ते। विश्वेंद्र शास्त्री, आर्य समाज कमलानगर। आर्य समाज ऋषि दयानंद सरस्वती ने 1875 में स्थापित किया था। इसको स्थापित करने का उद्देश्य था विशुद्ध सनातन धर्म की पुनः स्थापना करना। जो प्राचीन विशुद्ध सनातन संस्कृति है, जिसको भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धारण किया था, उसी संस्कृति की रक्षा के लिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। जो विशुद्ध सनातन संस्कृति है, उसी के प्रचार और प्रसार के लिए 4 दिन का हमारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 24, 25, 26, 27 नवंबर को। इसमें बृहद यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आर्य समाज के जो सुयोग्य और प्रसिद्ध सन्यासी हैं स्वामी सच्चिदानंद जी, उनके प्रवचन होंगे। हरिद्वार से निकिता जी, उनके भजन होंगे। और भी जो समाज सेवी हैं आर्य समाज के लिए, जिन्होंने विशेष करके कार्य किया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना, समाज की रक्षा करना, मानव जाति की रक्षा करना। वेद का संदेश है मनुर्भव जनय देव्यम।